सेविंग एंड एक्सेल फाइल। इस लेसन में आप सीखेंगे कि सेव और सेव एज की कमांड्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल 97 टू 2003 की कंपैटिबल फाइल किस तरह सेव करते हैं। एक्सेल वर्कबुक को पीडीएफ में कैसे सेव करते हैं। सेविंग वर्कबुक्स। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई वर्कबुक बनाते हैं तो आपको इसे सेव और बाद में उसे एक्सेस भी करना आना चाहिए। एक्सेल में आप अपने वर्कबुक डॉक्यूमेंट को कई मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं। टू यूज द सेव एस कमांड। सेव एस कमांड से आप फाइल का नाम और उसकी लोकेशन का इंतखाब करते हैं। आप इस कमांड को तब इस्तेमाल करते हैं जब आप फाइल को पहली बार सेव कर रहे हों या आप अपनी फाइल को एक्सेल की किसी दूसरी वर्जन में सेव करना चाहते हों, जबकि आपकी ओरिजिनल फाइल भी अपनी जगह सेव रहे। फाइल टैब पर क्लिक करें। सेव एज को मुंतखब करें। आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जहां आपने फाइल को सेव करना हो उस लोकेशन का इंतखाब करें। वर्कबुक का नाम दें और सेव पर क्लिक करें। अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी फाइल्स बाय डिफॉल्ट आपकी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में सेव होती हैं। जबकि विंडोज की दूसरी कई वर्जन्स में फाइल्स बाय डिफॉल्ट आपके माय डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में सेव होती हैं। टू यूज द सेव कमांड, क्विक एक्सेस टूल बार से सेव पर क्लिक करें। आपकी वर्कबुक उसी करंट लोकेशन पर सेव हो जाएगी उसी नाम से। अगर आप फाइल को पहली बार यानी नई फाइल सेव कर रहे हों तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुद ब खुद आपके सामने खुल जाता है। टू यूज ऑटो रिकवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपकी फाइल्स को ऑटोमेटिकली एक टेम्पररी फोल्डर में सेव करता है। अगर एक्सेल पर काम करने के दौरान आप अपनी फाइल को सेव करना भूल जाएं या खुदा न खास्ता एक्सेल सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए तो आप एक्सेल की बनाई गई ऑटो सेव फाइल के जरिए अपनी फाइल को रिकवर कर सकते हैं। ऐसी वर्कबुक खोलें जिसे सेव किए बगैर क्लोज किया गया हो। बैकस्टेज व्यू में इन्फो पर क्लिक करें। अगर एक्सेल ने आपकी फाइल ऑटो सेव की होगी तो उसकी मुख्तलिफ वर्जन आपको वर्जन्स की ऑप्शन के अंदर नजर आ रही होंगी। इनमें से किसी एक को खोलें। आपकी वर्कबुक के रिबन के नीचे पीले रंग का एक कॉशन नोट नजर आने लगेगा जिस पर रीस्टोर का बटन होगा। अपनी एक्सेल फाइल को रिकवर करने के लिए इस रीस्टोर बटन को क्लिक करके ओके करें। बाय डिफॉल्ट एक्सेल हर फाइल को 10 मिनट बाद ऑटो सेव करता रहता है, लेकिन अगर आप अपनी वर्कबुक को 10 मिनट से पहले बंद कर दें तो ये ऑटो सेव नहीं होगी और आप इस फाइल को रिकवर नहीं कर सकते। टू सेव एज एन एक्सेल 97 टू 2003 वर्कबुक। बाज़ औकात आपको ऐसी वर्कबुक पर काम करना पड़ सकता है जो एक्सेल की पुरानी वर्जन्स में बनी हो, मसलन एक्सेल 2003 या एक्सेल 2000 वगैरह। इस किस्म की वर्कबुक सिर्फ कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन हो सकती है। कंपैटिबिलिटी मोड असल में तमाम नए और एडवांस्ड फीचर्स को डिसेबल कर देता है और उन बेसिक फीचर्स को एनेबल कर देता है जो सिर्फ किसी वर्कबुक को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी वर्कबुक खोलें जो एक्सेल 2003 में बनी हुई हो तो आप सिर्फ वही टैब्स और कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्सेल 2003 में हैं। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां बाकी लोग पुराने वर्जन में काम करते हैं तो ये सबसे बेहतर है कि आप वर्कबुक को एक्सेल के पुराने वर्जन में सेव करें ताकि इस वर्कबुक की फाइल एक्सटेंशन तब्दील ना हो और वर्कशीट तमाम लोग आसानी से एक्सेस कर सकें। टू कन्वर्ट अ वर्कबुक। अगर आप एक्सेल 2010 के तमाम फीचर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी वर्कबुक को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के
फाइल फॉर्मेट डॉट XLSX में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां ये बात याद रखें कि इस प्रोसेस से आपकी वर्कबुक के लेआउट में चंद तब्दीलियां आ सकती हैं। फाइल टैब पर क्लिक करें और बैक स्टेज व्यू को एक्सेस करें। सेव एज कमांड को ढूंढें और सिलेक्ट करें। आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। लोकेशन को सिलेक्ट करें जहां आपने अपनी फाइल सेव करनी है। फाइल का नाम दें और सेव को क्लिक कर दें। सेव एज टाइप में से एक्सेल 97 टू 2003 वर्कबुक को क्लिक करें। आपकी वर्कबुक पुरानी फाइल टाइप के साथ सेव हो जाएगी। टू सेव एज ए PDF अपनी वर्कबुक को एडोबी एक्रोबैट डॉक्यूमेंट की फाइल में सेव करना PDF फाइल सेव करना कहलाता है। ये खास तौर पर उस वक्त बहुत फायदेमंद होता है जब आप किसी ऐसे यूजर से अपनी एक्सेल फाइल शेयर करें जिसके पास एक्सेल ना हो और आप उन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए वर्कशीट देना चाहते हों और ये चाहते हों कि वो इस वर्कबुक में कुछ एडिट ना कर सकें। फाइल टैब पर जाएं, सेव एज को सिलेक्ट करें। सेव एज ड्रॉप डाउन मेन्यू से PDF की ऑप्शन सिलेक्ट करें। अपने कंप्यूटर में लोकेशन का इंतखाब करें जहां आपने PDF फाइल सेव करनी हो। अब PDF फाइल का नाम दें और सेव बटन पर क्लिक करें। बाय डिफॉल्ट एक्सेल सिर्फ उसी वर्कशीट को PDF में कन्वर्ट करता है जिस पर आप काम कर रहे हों। अगर आपने अपनी वर्कबुक की तमाम वर्कशीट्स को PDF में सेव करना हो तो फाइल सेव करते हुए ऑप्शंस के बटन को क्लिक करें। ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स से इंटायर वर्कबुक की ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके करें। क्रिएटिंग सिंपल फॉर्मूलाज। इस लेसन में आप सीखेंगे कि एक्सेल के सादा फॉर्मूले किस तरह बनाए जाते हैं। एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड के मैथमेटिकल फंक्शंस किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। सेल रेफरेंस के साथ मुख्तलिफ सेल्स में दी गई वैल्यूज को किस तरह फॉर्मूला लगाकर आसानी से कैलकुलेट करते हैं। क्रिएटिंग सिंपल फॉर्मूलाज। फॉर्मूला एक ऐसी हिसाबी मसावात या मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसको अप्लाई करके हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे एक कैलकुलेटर मुख्तलिफ हिसाबी अमल करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम इसमें सेल रेफरेंस के जरिए किसी भी सेल का हवाला देकर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक्सेल हमारी कैलकुलेशंस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशंस को इस्तेमाल करता है जैसे प्लस साइन एडिशन या जमा करने के लिए, माइनस साइन सब्ट्रैक्शन या तफरीक के लिए, स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन या ज़र्ब के लिए, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन या तकसीम के लिए, कैरेट एक्सपोनेंट के लिए। एक बात जरूर याद रखें कि एक्सेल में तमाम फॉर्मूले बराबर के साइन के साथ अप्लाई होते हैं। टू क्रिएट अ सिंपल फॉर्मूला इन एक्सेल, उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपने रिजल्ट शो करना हो। मिसाल के तौर पर यहां हम B4 को सिलेक्ट करते हैं। इक्वल साइन टाइप करें। अब वो फॉर्मूला टाइप करें जिसे आप कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम 75/250 लिखते हैं। एंटर प्रेस करें। ये देखें फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया और रिजल्ट भी जाहिर हो गया उसी सेल में जिसे हमने मुंतखब किया था। अगर आपकी कैलकुलेशन का रिजल्ट बड़ी फिगर या रकम में आए तो ये रिजल्ट वाले सेल में पाउंड साइन के साथ जाहिर हो रहा होगा। ऐसी सूरत में कॉलम विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाने से ये मसला हल हो जाएगा। क्रिएटिंग फॉर्मूलाज विद सेल रेफरेंसेस। उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपने रिजल्ट शो करना हो। मिसाल के तौर पर यहां हम B3 को सिलेक्ट करते हैं।
इक्वल साइन टाइप करें। अब उस सेल का एड्रेस लिखें जिसकी वैल्यू इक्वेशन में पहले आती है। इस मिसाल के हिसाब से B1 का रेफरेंस दें। अब ऑपरेटर लिखें जो आपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करना हो, मिसाल के तौर पर प्लस का साइन जमा के लिए। अब इस सेल का एड्रेस दें जो इक्वेशन में दूसरे नंबर पर आती है, मिसाल के तौर पर हम यहां सेल B2 का एड्रेस देते हैं। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ये देखें फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया है और B3 में इसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है। अब अगर आप सेल B1 या सेल B2 की वैल्यूज को बदलें तो टोटल खुद ब खुद तब्दील होगा और इक्वेशन ऑटोमेटिकली रीकैलकुलेट होगी। एक्सेल आपको कभी नहीं बताएगा कि आपका फॉर्मूला दुरुस्त है या गलत। ये आपको खुद देखना होगा कि आपका फॉर्मूला दुरुस्त है या नहीं। टू क्रिएट अ फॉर्मूला यूजिंग द पॉइंट एंड क्लिक मेथड, उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपने रिजल्ट शो करना हो। मिसाल के तौर पर यहां हम B4 को सिलेक्ट करते हैं। इक्वल साइन टाइप करें। अब फॉर्मूले में आने वाले पहले सेल को सिलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर A3। अब ऑपरेटर लिखें जो आपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करना हो, मिसाल के तौर पर स्टेरिक का साइन ज़र्ब के लिए। अब इस फॉर्मूले में नेक्स्ट सेल को क्लिक करें, मसलन B3। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ये देखें फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया है और उसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है। टू एडिट अ फॉर्मूला, जिस सेल को एडिट करना हो उसे सिलेक्ट करें। अब अपने माउस कर्सर को फॉर्मूला बार में क्लिक करें और अपनी मर्जी से फॉर्मूला एडिट करें। आप सेल को डबल क्लिक करके भी डायरेक्टली फॉर्मूला देख और एडिट कर सकते हैं। जब आप ये कर चुकें तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ये देखें नए रिजल्ट सेल में नई वैल्यू नजर आ रही है। अगर आप इस कैलकुलेशन को मनसूख करना चाहते हैं तो कैंसिल कमांड क्रॉस को फॉर्मूला बार में सिलेक्ट करें। वर्कशीट बेसिक्स। एक्सेल की हर वर्कबुक में कम से कम एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डेटा पर काम कर रही हों तो अपने इस डेटा को एक से ज्यादा वर्कशीट्स में रखने से आपका काम मजीद ऑर्गेनाइज्ड या मुनज्जम हो जाता है। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में आप सीखेंगे कि वर्कशीट टैब्स को नाम और कलर कैसे असाइन करते हैं। वर्कशीट्स को कॉपी, डिलीट, ऐड और मूव कैसे करते हैं। वर्कशीट्स को ग्रुप और अनग्रुप कैसे करते हैं। कॉलम और रोज को फ्रीज या मुंजमिद कैसे करते हैं ताकि जब आप एक्सेल वर्कशीट्स को स्क्रॉल करें तो ये अपनी जगह से ना हिलें और आपको जूं की तूं नजर आती रहें। इंट्रोडक्शन टू वर्कशीट्स। जब आप एक्सेल वर्कबुक को खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने तीन वर्कशीट्स नजर आती हैं और इनके नाम पहले से मुकर्रर करदा Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 होते हैं। आप अपनी आसानी के लिए इन वर्कशीट्स को रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा इनको निशानी के तौर पर मुख्तलिफ कलर्स भी दे सकते हैं। और आप वर्कशीट्स को डिलीट, कॉपी, मूव, इंसर्ट भी कर सकते हैं। टू रीनेम वर्कशीट्स, वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करें जिसको आपने रीनेम करना हो। आपके सामने वर्कशीट मेन्यू खुल जाएगी। यहां से रीनेम को सिलेक्ट करें। वर्कशीट का नाम खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा और अब इसमें अपनी मर्जी का नाम टाइप करें। वर्कशीट टैब के बाहर कहीं भी क्लिक करें। आपकी वर्कशीट रीनेम हो गई है। टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट, वर्कशीट टैब में इंसर्ट वर्कशीट के आइकॉन पर क्लिक करें। एक नई वर्कशीट बन जाएगी।
टू डिलीट वर्कशीट्स, आप अपनी वर्कबुक में जो भी वर्कशीट चाहें डिलीट कर सकते हैं। वर्कशीट को सिलेक्ट करें जिसे आपने डिलीट करना हो। अब इस पर राइट क्लिक करके डिलीट की ऑप्शन को क्लिक करें। अगर एक से ज्यादा वर्कशीट्स को डिलीट करना हो तो उनको कीबोर्ड से शिफ्ट दबाकर माउस से सिलेक्ट करें और किसी एक वर्कशीट पर राइट क्लिक करके डिलीट करें। टू कॉपी अ वर्कशीट, जिस वर्कशीट को कॉपी करना हो उस पर राइट क्लिक करके मेन्यू से मूव और कॉपी कमांड को क्लिक करें। मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। इसमें यहां इस क्रिएट अ कॉपी के चेक बॉक्स को क्लिक करें। ओके का बटन प्रेस करें। आपकी वर्कशीट कॉपी हो गई है और इसका नाम इसी ओरिजिनल वर्कशीट वाला होगा और उसके साथ वर्जन नंबर का इजाफा हो जाएगा। टू मूव ए वर्कशीट, जिस वर्कशीट को मूव करना हो उसको सिलेक्ट करें और माउस को ड्रैग करें। आप देखेंगे कि माउस पॉइंटर की शक्ल एक छोटी सी वर्कशीट की मानिंद हो जाएगी। अब माउस पॉइंटर को यहां तक ड्रैग करें जब तक ये छोटा सा तीर का निशान जाहिर होना शुरू हो जाए। माउस को छोड़ें। ये देखें, आपकी वर्कशीट यहां नई जगह मूव हो गई है। टू कलर कोड वर्कशीट टैब्स, आप वर्कशीट्स को कलर कोड्स यानी मुख्तलिफ रंगों से वर्कबुक में जाहिर करवा सकते हैं। इस वर्कशीट पर राइट क्लिक करें जिसे आपने कलर देना हो। इस मेन्यू से टैब कलर की ऑप्शन को क्लिक करें। अब ये कलर मेन्यू खुल गया है। इस कलर मेन्यू में से अपनी मर्जी का रंग मुंतखब करें जो आप इस टैब को देना चाहते हैं। ये देखें, इस वर्कशीट का टैब कलर तब्दील हो गया है। ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग वर्कशीट्स। एक्सेल में आप एक वक्त में एक वर्कशीट में या एक से ज्यादा वर्कशीट्स में काम कर सकते हैं, क्योंकि वर्कशीट्स को ग्रुप्स में तब्दील किया जा सकता है। और इस ग्रुपिंग के जरिए जब एक वर्कशीट में काम करें या कोई तब्दीली करें तो ये तब्दीली बाकी वर्कशीट्स में भी खुद ब खुद हो जाती है। किसी एक वर्कशीट को सिलेक्ट करें जिसे आपने ग्रुप में रखना हो। अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करें और होल्ड करके रखें। अब दूसरी वर्कशीट को सिलेक्ट करें जिसे आपने ग्रुप में ऐड करना हो। इसी तरह जो वर्कशीट्स आपने इस ग्रुप में रखनी हो उनको सिलेक्ट करते जाएं। अब कंट्रोल की को छोड़ें। जो वर्कशीट्स आपने सिलेक्ट की थी उनका एक ग्रुप बन गया है और इसमें शामिल वर्कशीट्स टैब्स का रंग सफेद है। टू अनग्रुप ऑल वर्कशीट्स, वर्कशीट ग्रुप में से किसी एक वर्कशीट पर राइट क्लिक करें, वर्कशीट मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू से अनग्रुप को क्लिक करें। आपकी वर्कशीट अनग्रुप हो गई है। फ्रीजिंग वर्कशीट पैन्स, एक्सेल में ये सलाहियत भी है कि आप खास रोज या कॉलम्स को मुंजमिद या फ्रीज कर सकते हैं। ये अमल फ्रीजिंग पैन्स कहलाता है। इस ऑप्शन से जब आप वर्कशीट को स्क्रॉल करते हैं तो वो रोज या कॉलम्स आपको इसी तरह नजर आते रहेंगे। टू फ्रीज रोज, जिस रो को आपने फ्रीज करना हो उससे निचली रो को सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि वर्कशीट की पहली और दूसरी रो हमेशा वर्कशीट के ऊपर नजर आती रहे तो आप वर्कशीट की रो 3 को सिलेक्ट करें और व्यू टैब पर क्लिक करें। विंडोज ग्रुप से फ्रीज पैन्स की कमांड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। फ्रीज पैन्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फ्रीज रोज के नीचे एक काले रंग की लाइन आपको नजर आने लगेगी। अब आप अपनी वर्कशीट को स्क्रॉल डाउन करके देखें। पहली दो रोज इसी तरह आपको टॉप पर दिखाई देती रहेंगी। टू फ्रीज कॉलम्स, जैसे आप रोज को फ्रीज कर सकते हैं उसी तरह कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं।
जिन कॉलम्स को फ्रीज करना हो उनसे अगले एक कॉलम को सेलेक्ट करें। यानी अगर आपने कॉलम ए और कॉलम बी को फ्रीज करना हो तो कॉलम सी को सिलेक्ट करें और व्यू टैब पर क्लिक करें। विंडोज कमांड ग्रुप से फ्रीज पैंस की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। काले रंग की एक लाइन फ्रीज हुए कॉलम्स के आगे नजर आने लगेगी। अब आप वर्कशीट को बाएं से दाएं स्क्रॉल करके देखें। कॉलम ए और कॉलम बी आपको वर्कशीट के बाएं जानिब नजर आएंगे। टू अनफ्रीज पैंस, व्यू टैब पर क्लिक करें। फ्रीज पैंस कमांड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू से अनफ्रीज पैंस की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। काले रंग की लाइन खत्म हो जाएगी और पैंस अनफ्रीज हो जाएंगे। प्रिंटिंग, एक्सेल वर्कबुक से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के आपके पास कई तरीके हो सकते हैं। आप अपनी वर्कबुक के किसी खास हिस्से को प्रिंट कर सकते हैं और ये भी सेट कर सकते हैं कि एक पेज पर कितना डेटा या कंटेंट प्रिंट हो। इस लेसन में आप सीखेंगे कि वर्कबुक, वर्कशीट और कुछ खास सेल्स को कैसे प्रिंट करते हैं। आप प्रिंट करने से पहले पेज ओरिएंटेशन, पेज टाइटल, मार्जिन और पेज ब्रेक्स कैसे सेट कर सकते हैं। एक्सेल की पहली वर्जन में प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन होती थी जिसके जरिए आप अपनी वर्कबुक का प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखकर वर्कबुक को मॉडिफाई कर लेते थे। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि एक्सेल 2010 में ये प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन निकाल दी गई है। लेकिन असल में इस ऑप्शन को निकाला नहीं गया है बल्कि इसे प्रिंट पैन बनाने के लिए प्रिंट विंडो में यकजा कर दिया गया है जिसे बैकस्टेज व्यू में देखा जा सकता है। टू व्यू द प्रिंट पैन, फाइल टैब पर क्लिक करें। आपके सामने बैकस्टेज व्यू खुल जाएगा। प्रिंट को सेलेक्ट करें। ये देखें, प्रिंट पैन ओपन हो गया है जिसमें बाईं तरफ प्रिंट सेटिंग्स और दाईं तरफ प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रहा है। अब हम आपको इस प्रिंट पैन के मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। प्रिंट बटन, जब आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार हो जाए तब इस प्रिंट बटन को क्लिक करके प्रिंट करें। प्रिंटर, इस ऑप्शन से आप प्रिंटर का इंतखाब करते हैं जिससे आपने प्रिंट लेना होता है। ये ऑप्शन तब कारामद है जब आपका कंप्यूटर एक से ज्यादा प्रिंटर्स के साथ अटैच्ड हो। प्रिंट रेंज, इसके जरिए आप ये मुंतखब करते हैं कि आपने एक्टिव वर्कशीट जिस पर आप काम कर रहे होते हैं को प्रिंट करना है, पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना है या कुछ सेल्स की सिलेक्शन का प्रिंट लेना है। कोलेटेड, अनकोलेटेड, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की एक से ज्यादा कॉपीज लेना चाह रहे हो तो आप इस ऑप्शन से ये सेट कर सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की कोलेटेड कॉपियां प्रिंट करनी है या अनकोलेटेड। ओरिएंटेशन, इस ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट का लैंडस्केप या पोर्ट्रेट स्टाइल सेट कर सकते हैं। पेपर साइज, अपने प्रिंटर के लिहाज से कागज का साइज मुंतखब कर सकते हैं, मसलन A4, लेटर, लीगल, A3 वगैरह। मार्जिन्स, यहां से आप पेज मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप प्रिंटर से निकलने वाले प्रिंट को साइडों से कटने से रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केलिंग, इस ऑप्शन से आप ये पैमाना सेट कर सकते हैं कि प्रिंट के वक्त कागज पर वर्कशीट किस साइज में प्रिंट होगी, आया ये अपने असल पैमाना या एक्चुअल स्केल में प्रिंट होगी, पूरी वर्कशीट एक ही कागज पर प्रिंट होगी, तमाम कॉलम एक कागज पर प्रिंट होंगे या फिर तमाम रोज फिट होकर एक ही कागज पर प्रिंट होंगी। प्रिंट प्रीव्यू, इस ऑप्शन के जरिए आप प्रिंट करने से पहले अपनी वर्कशीट का प्रीव्यू या जायजा ले सकते हैं कि कागज पर वर्कशीट किस तरह नजर आएगी। यहां इस एरो से आप अपनी वर्कशीट के मुख्तलिफ पेजेस का प्रीव्यू
देख सकते हैं. To change page orientation, दुनिया भर में कागज के दो ही स्टाइल मुरव्वजा हैं, एक लैंडस्केप और दूसरा पोर्ट्रेट स्टाइल. लैंडस्केप स्टाइल में कागज अमूदी या हॉरिजॉन्टली होता है, जबकि पोर्ट्रेट स्टाइल में कागज उफकी या वर्टिकली सेट होता है. ज्यादा रोज को एक पेज में फिट करके प्रिंट लेना पोर्ट्रेट स्टाइल में बेहतर होता है, जबकि ज्यादा कॉलम्स को एक ही पेज में फिट करके प्रिंट लेना लैंडस्केप स्टाइल में बेहतर होता है. आइए अब हम आपको बताते हैं कि पेज को किस तरह पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में सेट करते हैं. फाइल टैब को क्लिक करें, प्रिंट की ऑप्शन को क्लिक करें, आपके सामने प्रिंट पैन खुल जाएगा. अब ओरिएंटेशन के ड्रॉप डाउन मेन्यू से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करें. ये देखें आपके पेज की ओरिएंटेशन तब्दील हो गई है. टू फिट अ वर्कशीट ऑन वन पेज, फाइल टैब पर क्लिक करें, प्रिंट की ऑप्शन को क्लिक करें, आपके सामने प्रिंट पैन खुल जाएगा. यहां स्केलिंग की ड्रॉप डाउन मेन्यू से फिट शीट ऑन वन पेज की ऑप्शन को सिलेक्ट करें. देखिए आपकी वर्कशीट का साइज कम होकर एक पेज में फिट हो गया है. लेकिन यहां ये बात याद रखें कि अगर आपकी वर्कशीट का साइज बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देगा तो उसे पढ़ने में दुश्वारी होगी. टू मॉडिफाई मार्जिन्स व्हाइल इन प्रिंट प्रीव्यू, मार्जिन से मुराद प्रिंटेड वर्कशीट के बॉर्डर का कंटेंट या टेक्स्ट से फासला. आपकी वर्कशीट के मार्जिन का सेट होना बहुत जरूरी है ताकि आप और दूसरे पढ़ने वाले इसे आसानी से पढ़ सकें. प्रिंट प्रीव्यू के जरिए आप पेज मार्जिन्स को एडजस्ट कर सकते हैं. फाइल टैब पर क्लिक करें, प्रिंट की ऑप्शन को क्लिक करें, आपके सामने प्रिंट पैन खुल जाएगा. शो मार्जिन्स के बटन पर क्लिक करें, आपकी वर्कशीट के मार्जिन्स जाहिर हो जाएंगे. किसी एक मार्जिन मार्कर पर माउस को हावर करें यहां तक कि पॉइंटर एक डबल एरो की शक्ल में आ जाए. क्लिक करें और मतलूबा जगह तक ड्रैग करते हुए माउस के डबल एरो को ले जाएं. माउस को छोड़ें और ये देखें आपकी वर्कशीट के पेज मार्जिन्स तब्दील या मॉडिफाई हो गए हैं. टू यूज प्रिंट टाइटल्स, आप जरा ये तसव्वुर करें कि किसी वर्कशीट को पढ़ना कितना मुश्किल होगा कि अगर इसके रो या कॉलम की हेडिंग्स सिर्फ पहले पेज पर ही आए. प्रिंट टाइटल की कमांड से आप खास रो या कॉलम को हर पेज पर दिखा सकते हैं. पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें, प्रिंट टाइटल्स की कमांड को सेलेक्ट करें. पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. रोज टू रिपीट एट टॉप वाले टेक्स्ट बॉक्स के आखिर में जो आइकन है उसे क्लिक करें. आपके माउस पॉइंटर की शक्ल कुछ इस तरह सिलेक्शन एरो जैसी हो जाएगी. अब जिन रोज को आप हर प्रिंटेड पेज पर दिखाना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करते जाएं. रोज टू रिपीट एट टॉप का डायलॉग बॉक्स आपकी रो सिलेक्शन को रिकॉर्ड करेगा. अब रोज टू रिपीट एट टॉप वाले टेक्स्ट फील्ड के आखिर में आइकन पर क्लिक करें. कॉलम के लिए इस अमल को कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट के टेक्स्ट फील्ड के साथ दोहराएं. ओके बटन को क्लिक करें. अब प्रिंट प्रीव्यू से जाकर देखें कि प्रिंट होने के बाद आपकी वर्कशीट किस तरह दिखाई देगी. टू इंसर्ट अ ब्रेक, पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें. जिस कॉलम या रो पर ब्रेक करना हो उस कॉलम के राइट और रो के नीचे पेज ब्रेक का तयन करें. मिसाल के तौर पर कॉलम सी को सिलेक्ट करें. ब्रेक्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू से इंसर्ट पेज ब्रेक की कमांड को सिलेक्ट करें. ब्रेक इंसर्ट हो गई है. अब आप प्रिंट प्रीव्यू से ये कंफर्म कर लें कि ये पेज ब्रेक सही जगह लगा है या नहीं.